आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बस वाला वोटर। आज हम सफर करेंगे शाहजहांपुर से देवास के बीच और जानेंगे जनता का मिजाज, आखिर क्या सोचकर जनता वोट करेगी। आइए चलते हैं इस सफर पर। सर, चुनाव चल रहे हैं इस समय, एक वोटर के तौर पे कौन सा मुद्दा आपको लगता है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो अभी देखा जाए तो सबसे मेन मुद्दा जो है वो रोजगार की है। रोजगार को लेकर हमारे जो युवा है वो बहुत परेशान है, तो मेन मुद्दा तो रोजगार ही होना चाहिए। और इस तरीके से ये जो एजुकेशन को लेकर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, और डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार दोनों भी, ये भी एक बड़े मुद्दे हैं। और महिलाओं के प्रति जो अभी हो रहा है वो भी एक मुद्दा है। लगता है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं स्थानीय मुद्दों को? बिल्कुल सर। यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए आपको लगता है? अभी जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरीके से तो हुआ नहीं है सर। जिस तरीके से लोगों ने आस बना रखी थी उस तरीके से काम नहीं हुआ, तो कुछ काम करने की जरूरत है अभी। और भी काम करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, इस बार चुनाव में क्या रहा, कौन से मुद्दे रहे? आपके किसान है? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर है। एक वोटर के तौर पे क्या सोचते हैं? वोटर के तौर पे है कि मोदी जो है उसने अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम सहयोग करेंगे। आपको लगता है सरकार ठीक काम करेगी? और विकास को लेकर क्या सोचते हैं? विकास तो वैसे हुआ ही है 10 सालों में, हुआ ही है, अभी और अच्छा होगा अगर फिर से सरकार आएगी तो और अच्छा विकास होगा, यही मैं बोलूँ। देखिए, अलग अलग तमाम जो मुद्दे हैं, अलग अलग राय है लोगों की और वो जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी कन्हैया सिंह परमार, राजगढ़ जिला। क्या करते हैं आप? मैं एमपी भी हूं। जी, चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? भाजपा सरकार एक नंबर का। क्यों पसंद है आप भाजपा? इतने दिन से गरीबों का बांटा जा रहा है, अन्नदाता के जैसे अनाज भी बांटा जा रहा है, लाडली बहनों के खाते किस्त समय से दिया जाती है, लाडली बहनों ने एक नंबर टॉप पे लाया है। किसान बहुत लोग ऐसा है जो उनको बेका दिया था, पर लाडली बहनों ने उनका रिकॉर्ड मौसम। जो भी पार्टी आए बस इंडिया आगे बढ़ना चाहिए, वही है, इंडिया में काम होना चाहिए हर तरह का, यही होना चाहिए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। जो भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हर पार्टी आके काम करे तो वो बेस्ट है, यही है इंडिया का। और फिलहाल तो अभी अच्छा ही है, बीजेपी काम कर रहा है और काम होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कुछ और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो और होनी चाहिए बेहतर? एजुकेशन में और थोड़ा सिस्टम चेंज होना चाहिए। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो उसमें क्या अभी प्राइवेट जैसे सरकारी स्कूल तो बंद ही है बिल्कुल, सरकारी स्कूल वगैरह फिर से स्टार्ट होना चाहिए नए सरी से। सरकारी स्कूल में तो ध्यान दे ही नहीं रहे, आजकल क्या सिस्टम हो गया सब प्राइवेट, ये क्या बिजनेस हो चुका है। तो वही चीज क्या है कि सरकारी स्कूल में रिटर्न आना चाहिए, कि हम लोग सरकारी स्कूल से एजुकेशन मिला हम लोग, तो आजकल क्या है प्राइवेट के चक्कर में सरकारी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और बिजनेस पॉसिबल बिजनेस भी वो करना चाहिए, हर चीज में महंगाई तो बढ़ ही रहा है, तो उस चीज को भी लिमिट में होना चाहिए सब। आप यूथ वोटर है, क्या सोचते हैं? आप वोटर हैं? नहीं। अच्छा, अभी आप वोटर होंगे? हाँ जी। एक युवा के तौर पर आप यूथ वोटर हैं, क्या सोचते हैं, क्या विजन होना चाहिए राजनीतिक दलों का? मेरे हिसाब से तो लाइक वही एजुकेशन पे ज्यादा, लाइक मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो इंदौर में ऑलरेडी लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब सारी चीजें हैं ऑलरेडी, क्लीन सिटी है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बाकी हाँ, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब एक जो है यूथ का एजुकेशन तो है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़ा डिस्कशन है। आप क्या सोचते हैं कि जितने बच्चे जो है एजुकेशन ले रहे हैं रोजगार उसके मुताबिक थोड़े कम? हाँ, उसके मुताबिक बहुत ज्यादा कम है, तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। आप यूथ है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव में धर्म आता है, समाज आता है, तमाम जो मुद्दे हैं वो चुनाव को कवर करते हैं, युवा क्या सोच के वोट करता है, क्या डेवलपमेंट या फिर जो तमाम जो मुद्दे रहते हैं जातिगत मुद्दे उसको लेकर प्रभावित?
मेनली तो डेवलपमेंट को लेके कितना डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक जो डेवलपमेंट करेगा उसी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि लाइक लोगों का ऐसा भी कि वो चुनाव के टाइम पे ही ज्यादातर मुद्दे उठाते हैं कि धर्म का मुद्दा उठा दिया, अलग मुद्दे उठा दिए, बट डेवलपमेंट या फिर जो भी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेशन के लिए कर रहे हैं, सिटी के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वोट देना चाहिए और मैं उसी के अकॉर्डिंग वोट देती हूँ। आपको जो लगता है कि अभी जो सरकार मौजूदा सरकार है और विपक्ष है, आपको लगता है कि क्या जो सरकार है उसने काम बेहतर किया या और कुछ करने की जरूरत थी? बेहतर कर ही रही है और करते आ रही है और करा भी है और आगे भी मेरे हिसाब से तो करेगी। लेकिन आपको लगता है डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, डेवलपमेंट तो है मुद्दा सबसे बड़ा। देखिए, यूथ वोटर्स है, इनका मानना है कि जो तमाम स्थानीय मुद्दे हैं और जो चुनाव को प्रभावित करने वाली जो तमाम बातें हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो डेवलपमेंट का होता है और वो चुनाव को प्रभावित करता। तमाम लोग मौजूद हैं। सर, चुनाव चल रहा है, क्या सोचते हैं? क्या चुनाव चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। क्या मुद्दे हैं आपको लगता है इसको लेकर चुनाव प्रभावित रहे? हाँ, मुद्दे लेना चाहिए जो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे, अपने साहेब जिले को सोचे, उसको वोट देने का फायदा रहेगा। अपने यहाँ डेवलपमेंट काफी कम है और इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हाँ, नहीं, इसके अवसर मिलना चाहिए, इंडस्ट्री खुलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, इसी व्यवस्था सब होना चाहिए उस पर। ये सर राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, चाहे वो हिंदुत्व का एक मुद्दा हो गया, विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, इन सब चीजों का क्या स्थानीय तौर पे फर्क पड़ता है या स्थानीय मुद्दों पे भी चुनाव में असर दिखेगा? स्थानीय तौर पे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फर्क पड़ता है अपने मुद्दे पे ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि साहेब जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब पूरी कितना विकास हुआ है, कितने रोजगार मिले हैं, इसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। अपने यहाँ सर मक्सी डेवलप नहीं हो पाया और इंडस्ट्री है नहीं, कनेक्टिविटी ट्रेन काफी कम, इसको लेके क्या सोचते? कनेक्टिविटी नहीं, आप बस में सफर कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ रेलवे स्टेशन तो है, ट्रेनों की संख्या कम है। मक्सी से तो है सुविधा, सायापुर से सुविधा नहीं है, सायापुर सुविधा होना चाहिए। ये जो सुविधा मक्सी से मिलती है, अब से अपने भोपाल जाना है बैठा जाओ, फिर भोपाल जाएंगे, इंदौर जाना है तो बैठा जाओ, जैसे इंदौर पहुंचेंगे अपन, सायापुर से सुविधा नहीं है, वो सुविधा सायापुर होना चाहिए। देखिए, शाजापुर की जो तमाम मुसाफिर है जो सफर कर रहे हैं, उनका मानना है कि ट्रेन कनेक्टिविटी हो, बस कनेक्टिविटी, इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या सोचना है? हम क्या सोचे है, वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या बात है, समझ गए, उसमें सब समझ जाओ, 400 पार है, अभी 400 पार है वो तो। अच्छा, और जो विपक्ष दावे करता है? अरे विपक्ष क्या दावे करे बेचारे यार, वो तो मर गए अब। अच्छा, कई सारे युवा भी इसमें मौजूद है, बस में क्या वोटर है? जी बिल्कुल। क्या सोच के वोट करने वाले? बस सनातन को सोचकर, जो सनातन को आगे बढ़ाए। और भी कोई मुद्दा? बस यही है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बहुत सारे यूथ जो है वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आपने सनातन का, आपको क्या लगता है कि सारी चीजें जरूरी है, ये वाला मुद्दा सबसे ज्यादा भारी रहेगा? वो अलग है और ये भी एक है, ये हमारे लिए भी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा, इसलिए हमने अभी इसको देखा है। बाकी चीजें तो चल रही है, एजुकेशन भी सही है, सब सही है बाकी। अपने क्षेत्र में विकास को लेकर आप सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है पहले में और अपने क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, पहले रोड नहीं थी, अब बहुत सही रोड है, सीसी रोड बन चुकी है, हर जगह घर तक पानी पहुंच चुका है, बिजली पहुंच चुकी है, और क्या चाहिए आप जनता को, तो यही है, एजुकेशन सही हो गया है। सर, चुनाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? हाँ सर, चुनाव क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं, विकास के। अच्छा, क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं? क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बड़ा कमी है, आपको लगता है विकास के तौर पे जो यहाँ होनी चाहिए? या तो बहुत सारे छोटे मुद्दे हैं, बड़े तो है नहीं, बाकी राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। अच्छा, बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? आप सोचते हैं, जनता सोचेगा बताएगा, और तो टाइम पे आप ही वोटर हैं। आप वोटर है, अपना तो जो देना होगा दे ना सही। अच्छा, जो देश का विकास हो मतलब ऐसे आदमी को छूना, और क्या बाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टाइम पे बताएगा जनता। और यूथ के तौर पर आप सोचते क्या, क्या सोचते मुद्दे क्या रहेंगे? मतलब मुद्दा यही रहेगा अपना, के देश का भलाई हो, जनहित में, मतलब अच्छा अच्छा काम करके जो अपने को देगा फायदा, लाभ उठाएगा,
उसी का हित में रहेंगे अपन। रोजगार को लेके हाँ, उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है अभी, पेमेंट वेमेंट बढ़ा है। मैं फार्मा लाइन में काम करता हूँ, जब इंटरप्राइजेस का सुपरवाइजर हूँ मैं, थाईलैंड कंपनी है प्रथम, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। उसमें पेमेंट वेमेंट वृद्धि हुई है तो हित में ही लेना पड़ेगा बोर्ड को। स्थानीय मुद्दों में क्या सोचते हैं आपके, यहाँ के युवाओं को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है? हाँ बाहर तो जाना पड़ता है, आप घर पर सारे बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो एक दो को जाना ही पड़ता है, खेती बाड़ी करते आते हैं, आधे को जाना पड़ता है बाहर ही। जी जी, विकास को लेकर क्या सोचते हैं, डेवलपमेंट को लेकर? विकास यही जाए, प्रगति होगी तो काम करेंगे, बेरोजगार का रोजगार मिल रहा है अभी तो, सब काम धंधा सबसे ठीक से चल रहा है। अभी व्यापम के बच्चे, जैसे मैं अभी इंदौर रहता हूँ तो मैं वहाँ पे जो कोचिंग सेक्टर है वहाँ पे देखता हूँ कि युवा है, जैसे MPSI को ही ले लो तो बच्चे अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि निराश होकर अपने घर चले जाते हैं, तैयारी ही नहीं कर पा रहे उस लेवल पे, तो उन पे भी तो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि एजुकेशन को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर ज्यादा फोकस जी, और स्वास्थ्य को लेकर भी, कि वो भी जरूरी है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह पे, जैसे कि हालांकि वैसे शिक्षा पे तो दे रही है ध्यान, जैसे बहुत सारे स्कूल, जैसे अपने शाजापुर जिले में, शाजापुर जिले के जो गुलाना तहसील है वहाँ पे अभी बहुत अच्छा स्कूल बना है सीएम राइस, वो भी बहुत अच्छा लगा, बाकी और थोड़ा उसको डेवलप करना है। जो मौजूदा सांसद है और जो यहाँ पर स्थानीय तौर पर इस बार चुनाव होने वाले या मौजूदा केंद्र सरकार है, उसकी कामकाज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं चुनाव के लेकर? हम क्या सोचते हैं सर, बढ़िया है, मोदी जी के राज्य में जो कुछ चल रहा है अच्छा है, लेकिन जो हमारे सांसद महोदय है उनका तो हमारे चवन्नी का भी कोई फायदा नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो ये कहना चाहते हैं। मतलब मौजूदा सांसद से आप थोड़ा संतुष्ट है? नहीं कोई संतुष्ट नहीं, कुछ काम ही नहीं आया उनका, क्या संतुष्ट हम सर, हम तो आपको लगता है और काम करने की जरूरत है? उन्हें काम करने की जरूरत है, सड़क बिजली पानी की समस्या देखना चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्या देखना चाहिए, और हम तो ये चाहें कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो चल ही रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए सरकार से, हमारा कहना है। जब देखो लूटपाट चल रही है, कोई कहा दम तोड़ देता है, कोई कहा दम तोड़ देता है, तो इस बात को शासन को समझना पड़ेगी और उस पर लगाम लगाना पड़ेगा। देखिए कई लोग जो है वो सरकार के कामकाज से पूछे तो कई लोगों को लगता है कि विकास की ओर दरकार है, और जो जनप्रतिनिधि जो मैदान में है उन्हें और ज्यादा सोचने की जरूरत है कि वो किस तरीके से आगे करेंगे। चुनाव आ गए जी सर, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हमें रोजगार पे लगाया जाए और क्या है, बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं। क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। तो किसानी वगैरह में किसान सम्मान निधि या दूसरी योजनाओं का लाभ तो मिला होगा आपे? वो लाभ मिलता है ना सर, 52 पे कोई 52 नहीं मिलता है, जिसके बाद में गेहूँ हमारा पंजन का बहुत कम कम रेट में खरीद रही है सरकार, हमारी मांग है 3,000 से ऊपर खरीदी जाए। सर चुनाव चल रहा है, कि एक वोटर के तौर पे क्या सोच रहे हैं? अच्छे परिणाम आने चाहिए मोदी जी के पक्ष में। और चुनाव में आपको लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर वोटर वोट करेगा? वोटर तो करेगा, मोदी जी ने अच्छे काम करे, लाडली बहना योजना है वो सभी को मिले, किसानों को अच्छा सहयोग मिलता है उससे। विपक्ष जो है युवाओं के रोजगार को लेकर भी तमाम सवाल खड़े करता है, महंगाई को लेकर करता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई तो क्या, महंगाई तो ऐसी फिर और मिल भी रहा है कुछ भी, सब सहयोग मिल रहा है, चल भी रहा है, महंगाई कम होना है नहीं, कुछ पार्टी आ जाएगी उसके बाद। और आपको लगता है इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं? मुद्दे तो बहुत है लेकिन जो है वो चलेंगे सभी मुद्दे। डेवलपमेंट विकास को लेकर क्या सोचते हैं? विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है और आगे भी होगा, राम मंदिर निर्माण हुआ सभी वही और जब होंगे सभी उससे। राम मंदिर निर्माण क्या इस चुनाव में एक मुद्दा है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। तो देखिए इनको लगता है कि राम मंदिर भी मुद्दा है, कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, क्या लगता है आपको चुनाव को लेके? मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता, वो वोट दिन भर अपन तो सुबह 4 बजे से उठते हैं और ये अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। देखिए तमाम जो वोटर्स हैं, कुछ वोटर्स ऐसे जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है कि वोट जो है क्या सोच के देंगे वो बताना नहीं चाहते। सुनील हंसूरिया, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश।
प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल पहले का बयान काफी चर्चा में रहा था, जिसे उन्होंने 2014 में नामांकन के दौरान कहा था। उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम का ये बयान अब 2024 में चरितार्थ होता दिख रहा है, क्योंकि 14 मई को प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे और उस